सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। सो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड नाउ अब बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने अभिषेक यादव भाई के बारे में। तो आफ्टर सेरू क्लासिक का बाद में हमको ये वाला जो अपडेट है वो देखने को मिलता है अपने अभिषेक यादव भाई की तरफ से, जिनमें गाइस वो मेन फोकस करते हैं अपने लेग्स की साइड में। बाकी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अभी इनको लेग्स देखने में, एंड अभी वो और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और भी हम लोग को डेवलप होते हुए उनके लेग्स नज़र आ जाएंगे। एंड बहुत सारे लोग जैसे कि अभिषेक यादव भाई को बोलते हैं कि उनको क्लासिफिकेशन कैटेगरी में ट्राई करना चाहिए कम्प्लीटली, तो क्या लगता है आप लोग को वही है एक उसकी तैयारी हो सकती है? कमेंट सेशन के अंदर आप लोग बताना मेरे को। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि गाइस बहुत ही सरप्राइजिंग वाला अपडेट लेके मैं आ चुका हूं, एंड वो है अपने डेल्टा दिलीप भाई की तरफ से। तो गाइस इस अपडेट के अंदर अपने डेल्टा दिलीप भाई ने उनका जो नेक्स्ट प्रो शो होने वाले वो बताया वो कब होगा, एंड वो बताते हैं कि 2 वीक्स बाद वो अपने नेक्स्ट प्रो शो खेलने वाले हैं। बाकी क्या वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि गाइस उन्होंने एक फनी वाली इमोजी भी यूज करी है, तो हो भी सकता है छोटा सा मजाक हो भी सकता है। या फिर क्या आप लोग को लगता है कि वो दिल्ली प्रो शो के बाद में तुरंत बाद यानी कि 2 वीक्स बाद ही वो किसी प्रो शो के अंदर कॉम्पीट करते हम लोग को नजर आ सकते हैं? बाकी डोंट नो, वो ऐसा कर भी सकते हैं। एंड आप लोग क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेशन के अंदर बता सकते हो। एंड नाउ गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं भुवन चौहान वर्सेस अली बिलाल भाई के बारे में, जो अभी तक चलती हुई आ रही है वो। सो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि भुवन चौहान भाई ने क्या बोला था, वही सेम जो लोग बोल रहे थे वही उन्होंने बोला था। एंड ये चीज गाइस अपने अली बिलाल भाई को थोड़ी सी बुरी लगती है। तो गाइस वहां पे वो रिप्लाई कर देते हैं कि मैं ओलंपिया में देखता हूं। एंड जैसे अली बिलाल भाई ने बोला कि मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप जो कर रहे हो वो आप डिजर्व नहीं करते। तो गाइस मैं किसी के अंगेज तो नहीं हूँ, बट आप लोग को पता है कि अली बिलाल भाई ने सेम ऐसे ही किया था जब वो शो खत्म हुआ था उसके बाद में लाइव में। एंड खैर अपने राहुल फिटनेस भाई कुछ भी नहीं बोल रहे भाई, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग भाई जबरदस्ती की कॉन्ट्रोवर्सी कराने का चाह रहे हैं एंड अपने भाई रोटियां सेकने का वही जो बोलते हैं वो सेकना चाह रहे हैं। खैर ये तो चलता ही रहेगा। एंड हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने लवप्रीत सिंह भाई के बारे में। तो अपने लवप्रीत भाई ने अपना ये वाला जो फिजिक अपडेट है वो कई शेयर किया, एंड आई डोंट नो कि उनका ये रिसेंट का अपडेट हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ वो कैप्शन में हम लोगों को बताते भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इतना लिखते हैं क्या लगता है स्टेज रेडी हूँ या फिर नहीं। तो कई आप लोग क्या लगता है कि अपने लवप्रीत सिंह भाई इस अपडेट के अंदर स्टेज रेडी लग रहे हैं या फिर नहीं? बाकी अगर ये इनका रिसेंट का अपडेट है तो कई देखने से लगता है कि बहुत जल्दी एक प्रो शो के अंदर हम लोग को कॉम्पीट करते हुए नजर आ जाएंगे अपने लवप्रीत भाई। एंड उसके बाद में जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मुंबई प्रो शो तो वो खेलने वाले हैं, सो लेट्स सी अब आगे वो क्या करते हैं। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि निकल के आ रही है अपने मनीष गांधी सर की तरफ से। एंड गाइस वो एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें अपने बादल फिटनेस भाई अपने मनीष गांधी सर से अपोलोजाइज करते हुए हम लोग को नजर आते हैं। एंड उसके बाद में इस स्क्रीनशॉट के प्रोवाइड करने के बाद में वो कैप्शन देते हैं, पहले अपोलोजाइज करते हैं फिर हेट करते हैं फिर फैन बन जाते हैं, काफी कंफ्यूजन है भाई। एंड जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हूं मैंने आप लोग को बता दूं कि तरुण गिल के साथ में अभी अपने बादल फिटनेस भाई जो लाइव में आप लोग को नजर आए थे उन सारी चीजों को अपने मनीष गांधी सर बता रहे हैं। एंड ये स्क्रीनशॉट कब का हो सकता है, रिसेंट का या फिर भाई पहले का, वो तो गाइस मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। एंड नाउ गाइस अब बात करते हैं अपने सिद्धांत जैसल सर के बारे में। तो गाइस उन्होंने बताया कि अली बिलाल भाई कॉम्पीट करने आएंगे फिर से इंडिया में मुंबई प्रो शो के अंदर। जी हाँ गाइस आप लोग को 2 से 5 नवंबर ओलंपिया होगा, एंड उसके बाद में 17, 18, 19 आप लोग को मुंबई प्रो शो होता हुआ नजर आएगा, जिसमें 2024 की ओलंपिया क्वालिफिकेशन भी मिलने वाली है। बाकी गाइस और उन्होंने क्या क्या बताया आप लोग खुद ही सुन लीजिए। आपको गंदगी फैलाना है, शुरुआत से वही करते आए हो, तो गंदगी फैलाना बंद करिए, आइए आपके रेवोल्यूशन में आपका साथ देता हूँ। अरे इसका तो मैंने ये किया, उसका तो मैंने वो किया, अगर वो मेरा किए तो उनका खुद का क्यों नहीं हो गया? उल्टा मेरी वजह से 4 लोग उनको जानते हैं, 4 जगह जाके कमा रहे हैं खा रहे हैं, तो कभी ये सब बातें नहीं बोलता। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो मिस्टर, तो जो मिल रहा है कमाओ खाओ, समझ में आया? कोई एम्बुलेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उसको तो भैया मैं जेनेटिक कोड का अपना महंगा वाला जो आपने दिलवाया था उसका टी शर्ट गंदा कर दिया, मैं अपने गोदी में उठा के उसको लेके गया था, मैं खुद लेके गया था, एम्बुलेंस में मैंने डाला था। तो मैं बोला भैया को बता दो, भैया बात कर ले, मगर बात ही नहीं करे भैया को, बस रायता फैलाना है। अभी क्या हुआ था, ये काफी टाइम से लगे हुए हैं शेरू की हाइप लेने के लिए, तो शेरू के लिए वीडियो डाल रहे थे एंटी, आप देख ही रहे हैं शायद, आपने हमने देखी थी, हमें बताया था किसी ने कि भैया आप लोग एक्सपो में लगा रहे हो और ऐसे ऐसे तरुण गिल उसको डिफेम कर रहा है, तो चलो देखते
फिर मैंने उस पे कमेंट करा, इसने कुछ 25 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई थी, 25 करोड़ रुपए मनीष गांधी कमाता है शेरू क्लासिक से एक बार में। मैंने कहा भाई तू कंपटीशन करवा दे, मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, सिंपल है तू करवा दे, हाँ मैं भी कमा लेता हूँ भैया। तो भैया कोई ना कोई टॉपिक चाहिए किसी ना किसी को। अब देखे ना एथलीट को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी जैसे अली भैया फ्लो में, मतलब जब स्टार्टिंग में थोड़ा एग्रेसिव हुए थे वो हुए थे तो वो बोले, बट उसके बाद फिर कितना अच्छा उन्होंने अपना दिखाया, अच्छी तरीके से पॉजिटिव मैसेज दिया। इवन वो तो बोल रहे हैं कि अभी दोबारा आके फिर से मुंबई में खेलेंगे, बहुत अच्छा लगा, भाईचारा स्प्रेड करेंगे। मैं बोला यही सब चीज होना चाहिए, स्पोर्ट्स होता ही इसी के लिए है ना, तो सब कुछ सारे लोगों के बीच में सब कुछ पॉजिटिव है, चाहे सुमित भैया है, मनोज सारंग पानी भैया तो इतने हम्बल, इतने प्यारे इंसान है, पूछो मत, अली भैया भी वैसे ही है, राहुल भैया भी वैसे ही है, भुवन भैया भी वैसे ही है, तो किसी के बीच में कुछ है नहीं, मगर जबरदस्ती का वो लगाया जा रहा है। तो जैसे वही हुआ कि चलो हाँ बात करके खत्म करते हैं, बाकी मेरे हिसाब से अभी किसी को ये सब चीजें ना बात करनी ही नहीं चाहिए, खत्म हो। बढ़िया भैया, एकदम मस्त, आपका आशीर्वाद भैया। आइए आइए आइए, मैं तो आप ही के लिए दुकान खोल के बैठा हूँ मालिक, आप आए ही नहीं अभी तक। आइए 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 आइए, ठीक है भैया, अच्छा ठीक है ठीक है, आप आइएगा, कमेंट करिएगा, मैं ऐड कर लूंगा आपको, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अरे आज ये ना मैं इधर खुला हुआ हूँ, आइए, अच्छा आपके पे आऊंगा, ठीक है भैया, ठीक है, जैसा आप बोलो, ठीक है, फिर मुझे डर लगेगा मैं भाग जाऊंगा बीच में। अरे अरे सही में आप जो है बताइए, पटक के धो देंगे लाइव में, फिर भागना पड़ेगा ना, हम तो भैया अपनी धोती बचाएंगे। ना ना नहीं भैया, वही तो नॉर्मल जस्ट डिस्कस करते, और क्या है। आइए आइए आइए, आप ही लाइव आइए, मैं देखता हूँ, ठीक है भैया। एंड नाउ गाइज, अब आप लोग को इस वीडियो की सबसे बड़ी ग्रेट एंड हैप्पी न्यूज आप लोग को प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। जी हाँ गाइज, एंड वो न्यूज आ रही है अपने रोहित राजपूत भाई की तरफ से, एंड उन्होंने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत जल्दी कमबैक करने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, एंड बहुत जल्दी हम लोग को वो ऑन स्टेज कॉम्पीट करते हुए भी नजर आ जाएंगे। एंड उनका वो शो कौन सा होगा जिसमें वो अपना कमबैक करने वाले हैं, वो तो गाइस उन्होंने अभी तक इस चीज़ को अनाउंस नहीं किया है, बट जैसा आप लोग देख सकते हो फिर से कमबैक करेंगे, तो गाइस डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो उनकी प्रेजेंट टाइम की बॉडी कंडीशनिंग को, कि वो किस तरह के लग रहे हैं अभी फिलहाल में। बाकी डेफिनेटली हम लोग को किस शो के अंदर देखने को मिलेंगे अपने रोहित राजपूत भाई, वो तो बहुत जल्दी आप लोग को पता चल जाएगा जैसे वो अनाउंस करते हैं इस चैनल पे सबसे पहले आप लोगों को, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड आप लोग कितने एक्साइटेड हो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कॉरी मॉरिस के बारे में, जो कि आप लोग को पता है कि ओलंपिक 2023 के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं पिट्सबर्ग शो के अंदर। तो पिट्सबर्ग शो से दो दिन पहले की जो उनकी कंडीशनिंग थी उसका उन्होंने फुटेज रिसेंट में शेयर किया है, एंड आप लोग देख सकते हो भाई ऑन स्टेज लाइटिंग से भी ज्यादा वो कितना अच्छे लग रहे हैं इस शो के अंदर। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग कंपेरिजन करो, अगर बात करें हम अली बिलाल वर्सेज कॉरी मॉरिस की, जिन्होंने ऑलरेडी बीट कर दिया है पिट्सबर्ग शो के अंदर, एंड जहाँ पे भाई अपने अली बिलाल भाई ने बताया था कि वो अपना 100% नहीं थे, थोड़ा सा ऑफ गए थे, बट गाइस आप लोग अली बिलाल भाई के प्रेजेंट के अपडेट से उनका कॉरी मॉरिस का गाइस उस टाइम का अपडेट का कंपैरिजन कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अभी तो कॉरी मॉरिस के भाई बॉडी फ्रेम पर आप लोग को मसल मास भी पुट होता हुआ नजर आएगा, एंड इस तरह की कॉरी मॉरिस अगर कंडीशन ले जाते हैं विद मसल मोर मसल मास पिट्सबर्ग शो से, तो डेफिनेटली गाइस वो एक मिस्टर ओलंपिया के अंदर अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को। बाकी अभी से गाइस मिस्टर ओलंपिया का जो मेंस फिजिक का खास तौर पे लाइनअप है वो काफी हेक्टिक लाइनअप होता हुआ हम लोग को नजर आ सकता है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि अब तक का मिस्टर ओलंपिया हिस्ट्री में सबसे हेक्टिक लाइनअप या फिर आप लोग बोल सकते हो टफेस्ट लाइनअप इस साल का हम लोग को देखने को मिल जाए। बाकी सो लेट्स सी, आज की वीडियो में तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना, एंड मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।